में एक ऐतिहासिक सफलता मिली है हम लोगों को, और इसमें लावालौंग थाना अंतर्गत नोडिया जंगल के अंदर आज सवेरे ये मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में दो सेक मेंबर, बीजे सेक मेंबर, बिहार झारखंड स्टेट एरिया कमेटी मेंबर, दो 25-25 लाख रुपए के इनामी सुरेश पासवान, गौतम पासवान और बड़कादा एवं 40 उराव, जो पूर्व के भी दुर्दांत नक्सली रह चुके हैं, 50 से 60 केसेज इनके ऊपर वांछित हैं। इसके अलावा 2010 के अंदर भी सतवाहनी के अंदर प्रतापपुर के अंदर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। उस समय के ये लोग दुर्दांत नक्सली हैं। इसके अलावा तीन सब जोनल और इसमें मारे गए हैं, अमर गंजू नंदू उर्फ नंदू और एक संजीत भुइयां। ये इसमें ये डुमरिया का रहने वाला है गौतम पासवान, और 40 उराव जो है बालूमात लातेहार का है। और इसमें पुलिस अधीक्षक श्री राकेश को ये सूचना मिली थी, टेक्निकल इनपुट था इसमें, और ये सूचना फिर थाना प्रभारी लावालौंग को दी गई। कोबरा की टीम वहाँ थी, 203 कोबरा की टीम वहाँ थी, और इसका एक फिर एक ऑपरेशन प्लान बना। इस ऑपरेशन प्लान के अंदर पलामू SP को भी सूचित किया गया, तो वहाँ से भी एक 134 बटालियन CRPF की भी एक कंपनी वहाँ थी, उस तरफ से कट ऑफ में थी। और ये जवाबी फायरिंग जब हुई वहाँ से नक्सलियों से, वो जवाबी फायरिंग के अंदर जब हम लोगों के कोबरा के जवान और जो हम लोगों के चतरा पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर और जो सिपाही थे, उन्होंने जवाबी फायरिंग करी, जिसमें ये मुठभेड़ में मारे गए। इसमें दो पुलिस लूटेड AK-47 बरामद हुई हैं, जो पुलिस के द्वारा एक टाइम में लूटी गई थी। वो हम लोग एक वायरलेस मैसेज करेंगे पूरे देश भर में कि ये किस जगह की लूटी हुई हैं। इसमें एक इंसास पुलिस लूटेड इंसास भी हम लोगों को मिली है, और दो हम लोगों को कंट्री मेड 303 राइफल इसमें मिली है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी सफलता है, और इसमें ये जो मध्य जोन है और चतरा पलामू जो सब जोन के ये नक्सल हैं, इसको बड़ा झटका लगा है, और ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। इस तरह से हम लोग आगे भी ऑपरेशंस करते रहेंगे। मेरी यही अपील रहेगी कि जो हमारी सरेंडर पॉलिसी है सरकार की, जितने नक्सल्स जो बचे हुए हैं, बचे कुछ नक्सल्स हैं जो बिहार और चतरा के बॉर्डर पे, पलामू के बॉर्डर पे हैं, वह इस सरेंडर पॉलिसी का फ़ायदा उठाएं और ये लोग जल्दी से जल्दी सरेंडर करें, अन्यथा हम लोग ऑपरेशन प्लान इसी तरह से करते रहेंगे और आगे भी हम लोगों को इस तरह सफलता मिलेगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।